इसको बिल्कुल ठीक तरीके से मिक्स कर दीजिएगा। और ये जो मसाला था वो अच्छी तरीके से नूडल का था और डाल दीजिएगा। और जो चटनी हमने बना के रखी थी डोसे के लिए इडली के लिए वो इसके ऊपर फैला दीजिए। हल्का सा हम गैस कोट करके इसको कुरकुरा कर लेंगे। देखिए घर की ही चीज़ों से कितना बढ़िया सा हमारा नूडल्स डोसा बन के तैयार हो गया बच्चों के लिए। बहुत ही अच्छा लगता है, आप बच्चों के लंच बॉक्स में, लंच में जब भी देंगे बहुत ही शौक से खाएंगे। और ये बन भी बहुत जल्दी जाता है। कई बच्चे हैं जो डोसा वैसे खाना सभी पसंद करते हैं, पर अगर नूडल्स डोसा देंगे तो आराम से एक की जगह दो खा जाएंगे। गैस बंद कर दिए, करारा हो गया, इसको पलट दीजिएगा और इस तरीके से दबा करके आप या इस आकार में इस तरीके से या इस तरीके से, या इसके छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो तीन चार इस तरीके से पीस कर लीजिएगा ताकि उनको खाने में आसानी रहेगी। ये देखिएगा इतना बढ़िया सा इंस्टेंट हमारा नूडल डोसा बनके तैयार हो गया है। और आप लोग भी इसको खाइएगा, बनाइएगा और आने वाले मेहमानों का स्वागत ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एक अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा और इसको चटनी के साथ एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू सो मच।